हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कच्चे केले की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम दही के साथ बना के भी खाएंगे। तो ये दही वाले केले की सब्जी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। खाने में इसका टेस्ट का तो मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आप इस रेसिपी को लास्ट तक देखिए और ज़रूर बनाइए, फिर हमको बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, इसे हम पूरी पराठे के साथ कभी भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी है। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम दही वाले केले की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले आपको केला छीलना और काटना बताएंगे। पहला टिप्स है मेरा कि केला को आप खड़े ही धो लीजिए, क्योंकि छीलने के बाद हम केला धोते हैं तो वो गीला हो जाता है, फिर हम फ्राई करते हैं उसमें एक चिपचिपाहट सी आने लगती है। तो ये मेरा पहला टिप्स है। इसके लिए हमने खड़े केले को अच्छे से धो के पानी सुखा लिया है। अब हम इसे काटना बताएंगे। तो हम एक एक केला जो है वो रूट से अलग करेंगे। केले को हम ऊपर वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को काट लेंगे और फिर हम इसे ऐसे चाकू से छील लेंगे। छिलके को हमें अच्छे से हटा लेना है। ऐसे ही हम सभी केले के छिलके को हटा लेंगे। हमने सभी केले के छिलके हटा लिए हैं। अब हम आपको काट के दिखाते हैं। तो इसे हम राउंड शेप में, ऐसे राउंड यानी कि ऐसे गोल गोल हम काट लें। तो ऐसे हमने केले को काट लेना है। हमने केला को आधा आधा इंच के बराबर पीसेस बना लिए हैं। ऐसे हम सभी केले को काट लेंगे। हमने सभी केले को छोटे छोटे पीसेस में यानी कि राउंड राउंड काट लिया है। तो हमें केला धोना नहीं है, ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया। अब हम जल्दी से गैस की तरफ चलेंगे। केले को हमें धोना नहीं है और तभी काटना है जब हम इसे तुरंत बनाएंगे, नहीं तो केला बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है, फिर सब्जी बनाने में उसका कलर सही नहीं आता है। तो हमने जस्ट इसे काटा और अभी हम कढ़ाई की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख लिया है, गैस को ऑन कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। तो तेल हम बड़ा चम्मच डालेंगे और इसमें हम केला को भूनेंगे। केला भूनने से पहले हमें तेल अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें आपको दूसरा टिप्स बताएंगे कि जब तेल गर्म हो जाए तो हमें पूरे कढ़ाई में ऐसे फैला लेना है, नहीं तो जहाँ पे तेल नहीं रहेगा वहाँ पे केला चिपकने लगता है। कढ़ाई में तेल को अच्छे से फैला लिए हैं। अब हम तेल में केला डालेंगे जिसे हमने अभी पील करके इसे काट रखा है। तो हम ऐसे केला को डाल देंगे। ये थोड़ी थोड़ी टिप्स है, जिसे आप अपनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन सब्जी तैयार होता है केले का। केला को हम अच्छे से चलाते हुए ब्राउन होने तक हम इसे ऐसे भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कढ़ाई में तेल फैला लिया है तो केला बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और ये ज़्यादा भी तेल नहीं लगता है, थोड़ा ही तेल में अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो हम इसे 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए फ्राई करेंगे। हमने केला को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई किया है। केला फ्राई करने में तेल नहीं जाता है, आप देख लीजिए हमने जितना तेल डाला था उतना कढ़ाई में दिख रहा है और केला भी अच्छे से भून चुका है। जब हम ये केला ग्रेवी में डालेंगे तो सब्जी का स्वाद कितना बढ़िया होगा आप समझ सकते हैं। अब हम एक जाली वाले चम्मच से केला को ऐसे टेढ़ा करते हुए और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे हम
इसे प्लेट में निकालते जाएंगे। हमने केला को अलग प्लेट में निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ये फ्राई किया हुआ केला। अब जो कढ़ाई में तेल बची है इसी में हम थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे। इतने में भी बना सकते हैं पर थोड़ा ऐड कर लेंगे तो ग्रेवी बढ़िया तैयार होगी। तेल को गरम कर लेंगे। तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी दाना और हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। जीरा से टक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। प्याज के साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी प्याज के साथ हम भून लेंगे। यानी कि 3 से 4 मिनट तक हमें प्याज भूनना है मीडियम फ्लेम पे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट भी हो चुका है, यानी कि अपना प्याज लहसुन भून चुका है। अब हम फ्लेम को स्लो करते हुए इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और हम मसाले को प्याज के साथ स्लो फ्लेम पे 1 मिनट तक भून लेंगे। सबको पता ही है स्लो फ्लेम पे मसाला भूनने से कलर बढ़िया आता है। अगर तेज फ्लेम पे हम भूनेंगे तो ये जलने का चांसेस रहता है। तो हमें सूखे मसाले को ज़्यादा टाइम नहीं भूनना होता है, 0.5 मिनट से 1 मिनट में ये भून जाता है। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे टमाटर, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट रखा है। अब हम टमाटर डाल ही लिए हैं तो टमाटर को जल्दी गलने के लिए हम नमक भी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 किलो केले का सब्जी बना रहे हैं तो अंदाज से हम नमक डाल लेंगे और हम टमाटर को चलाते हुए मसाले के साथ भूनेंगे। टमाटर भूनने में हमें 2 से 3 मिनट लगता है। तेज फ्लेम कर लेंगे तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो 5 मिनट भी लग सकता है। तो आप टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे भूनिए। अब हम क्या करेंगे, टमाटर को कवर करके 2 मिनट तक पकाएंगे। इससे टमाटर जल्दी गल जाता है और इसमें पानी भी छूटता है, तो हम इसे कवर कर देंगे। ध्यान रहे फ्लेम मीडियम रहेगा, नहीं तो मसाला जलने लगेगा। तो चलिए हम कवर हटा के एक बार अपनी ग्रेवी चेक करते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुका, क्योंकि हमने इसे कवर कर दिया था नमक डाल के, तो ये बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया गल चुका है। अब हम तेज फ्लेम करके इसे अच्छे से भून लेंगे। इसका पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए तब तक हम इसे भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर अपनी अच्छे से भून चुकी है, इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च। तो आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो हरी मिर्च डालिए, अगर बच्चों के लिए बनाना है तो कम कर दीजिए, लेकिन हरी मिर्च का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। मिर्च डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक मसाला को अच्छे से भूनेंगे, जिससे अपनी मिर्च सॉफ्ट हो जाए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ध्यान से देखिए अपनी मसाला भून चुकी है। हम गैस को 2 मिनट के लिए ऑफ कर देंगे।
इससे क्या होगा, अपना मसाला जो है हल्का ठंडा हो जाएगा, तब हम इसमें दही ऐड करेंगे। मसाला से अपना भाप निकलना बंद हो गया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे एक बड़ा चम्मच दही, जिसे हमने ऐसे फेंट रखा है, दही में लम्स नहीं है, इसे हम मसाले में डालेंगे। आपको पता ही है जब हम दही डालते हैं तो जल्दी जल्दी मसाला को ऐसे भूनना शुरू कर देते हैं, इससे दही फटने का चांसेस नहीं रहता है। और मेरा ये तीसरा टिप्स था, दही जब भी हम मसाले में डालें तो गैस को बंद करके कढ़ाही को नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा कर लें, फिर इसे मिक्स करें। इससे बिल्कुल नहीं फटती है दही अपनी, और ग्रेवी की कलर भी अच्छी आती है। तो हमने मसाले को मिक्स कर लिया दही के साथ, अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। ग्रेवी को हमें अच्छे से भूनना है। दही के साथ हमने मसाला को अच्छे से भूनना है। हमने अच्छे से मसाले के साथ दही को भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो फ्राई करके हमने केला रखा था उसे, तो हम इसे मसाले में ऐसे ऐड कर देंगे। अगर आपको सूखी सब्जी पसंद है तो हम इसे ऐसे ही 2 मिनट कवर करके और बंद कर लेंगे। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो हम इसमें पानी डाल के आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले के साथ अपनी केला की अच्छी सी कोटिंग हो गई है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और केले को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि केला पानी को बहुत ही अब्सॉर्ब करता है। ये सब्जी पका लेंगे तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, तो हम इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही डालते हैं। केला की सब्जी कभी भी आप बना के उसे थोड़ा ठंडा कीजिए, ग्रेवी ऑटोमेटिक गाढ़ी हो जाती है। हमने केला में पानी डाल के अच्छे से ग्रेवी तैयार किया। अब हम कवर करके इसे 2 से 3 मिनट तक तेज फ्लेम पे उबाल लेंगे। तो चलिए हम सब्जी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है, सब्जी का कलर भी बहुत सुंदर आ चुका है, केला भी गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने तवे पे थोड़ा सा भून के हल्का सा हाथ से क्रश कर लिया है, तो इसे हम सब्जी में डाल देंगे। दही वाली ग्रेवी हो और उसमें कसूरी मेथी हो तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये अपनी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए हम गर्मा गर्म सब्जी की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दही वाले केले की सब्जी की प्लेटिंग कर ली है। आपने देख लिया दही वाले केले की सब्जी बनाना कितना आसान है, और खाने में तो ये जबरदस्त लगता है। इसे आप पूरी, पराठे, रोटी, चावल के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। आप जरूर बनाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।